चार नंबर पे बटन दबाना है, क्योंकि उसके बाद में रीटा खारी जी ने वादा कराया कि फिर चार चांद लगा देंगे, इन्होंने नहीं करा तो मेरे चांद बन जाएगा बिल्कुल पक्की बात है। राजा के लिए प्रजा नहीं है, प्रजा के लिए राजा है। मतलब फांसीवाद जो है वो यूरोप में जन्मा, बल्कि आज जितनी भी विचारधाराएं चल रही हैं, साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, फांसीवाद, इन सब का जनक जो है वो यूरोप है और इसमें भारतीयता नहीं है। नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक राज मिश्रा। हमारे साथ वजीरपुर विधायक राजेश गुप्ता जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे कि आज की इस मीटिंग का क्या कुछ खास उद्देश्य था। सर, इस मीटिंग का क्या कुछ खास उद्देश्य था? नहीं, फिलहाल तो जो चल रहा है आप जानते हैं कि निगम के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं जी, उसी के मद्देनजर ये मीटिंग भी हुई, लेकिन ये मीटिंग उससे ज्यादा स्पिरिचुअल बातों पर चलती रही जी, जो बहुत सुखद है, क्योंकि लोग आजकल राजनीति में धर्म को बहुत लाते हैं या धर्म की राजनीति होती है कहना है, लेकिन राजनीति का भी कोई धर्म होना चाहिए। हम किस लिए आए हैं, हमारा पहला उद्देश्य क्या था राजनीति में आने का? उद्देश्य तो यही था कि हम लोगों के जीवन में बदलाव लाएंगे, उनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन कभी कभी वो चीज़ें थोड़ी धूमिल हो जाती है। तो उन चीज़ों की जो वापसी होती है, जो आज ये मीटिंग हुई, जो मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल मीटिंग तो कहीं से कहीं तक थी नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल मीटिंग थी, तो मुझे बड़ी सुखद लगी और उसका परिणाम भी सुखद ही होगा। सर, इस इंटरेक्शन में आपको क्या लगा कि जनता ने आपका कैसे कम्युनिकेशन था? नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ कि यहाँ कोई जनता नहीं थी, यहाँ तो सब वक्ता थे और सभी श्रोता थे जी। हमने सिर्फ ये याद करना था, बल्कि मुझे लगता है कि मुझे, जबकि मैं दो बार का MLA हूँ, रीटा खारी जी जो यहाँ की काउंसलर बनने जा रही है, हमारे जो कर्म है जो हमें करने आगे, उसके लिए अभी से ही जता दिया है कि भाई सिर्फ वोट ले लेना, जीतना, यहाँ बात खत्म नहीं हो जाती। जीतने के बाद में क्या करना है उसका बोध हमें होना चाहिए। ये कहीं से भी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ना पॉलिटिकल मीटिंग थी और इसका आउटकम भी बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं हो सकता। जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने, क्योंकि जो गुरुजी यहाँ बैठे हैं उन्होंने उनकी चर्चा करी, अर्जुन को बताया, तो जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो वो आप उसे पॉलिटिकल कह सकते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक ज़्यादा था। बिल्कुल ऐसे ही ये पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी बल्कि आध्यात्मिक थी। अभी किसी ने कहा कि अब ब्रेकफास्ट कर लीजिए, तो मुझे तो लगता है कि वो भी यही कहना चाहिए था कि प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। सर, ये बताइए इस बार दिल्ली की जनता को क्या कुछ संदेश क्या देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो जिस तरीके से वोट करती है, जो मैंने वोटिंग पैटर्न जनता का देखा है, तो वो ये समझ लेती है कि किसको कहाँ जरूरत है। जिस तरीके से 3 बार दिल्ली में हमें मैंडेट मिला, और इस बार जनता के मन में एक बात है कि भाई केजरीवाल जी की जब सरकार है तो पार्षद उनका बना देना चाहिए, शायद कुछ चीज़ें आसान हो जाए। तो बार बार का ये ड्रामा है कि ये उसके हाथ में, उसके पावर है और वो करने नहीं दे रहा, मेरे पास फंड नहीं है, सारी बातें निबट जाएंगी। सारा प्रेशर विधायकों पर रहा, सारा काम अरविंद जी की सरकार और उनके विधायकों ने कराई है, तो जब पार्षद भी उनके होंगे तो चीज़ें बहुत ईजी होंगी। कम से कम पॉलिटिकल रीजन से वो उन कामों को नहीं रोकेंगे जी। तो जनता का मन यही है कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी को, जैसे दिल्ली के अंदर 3 बार जबरदस्त मैंडेट दिया है, तो इस बार काउंसिल इलेक्शन में भी जबरदस्त मैंडेट मिलने जा रहा है, उसके बाद का काम हमारा है। मैं तो उसके बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ, सच बताऊँ तो चुनावों के बारे में वोटिंग अपील वगैरह मैं कम करता हूँ। मेरा ये मानना है कि बस हम जीत गए और आगे का काम करना है, उसके लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। सर, कितना आंकड़ा लगाना है इस बार MCD सीटों में? क्योंकि ये आध्यात्मिक थी तो मैं यही कहूंगा कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करे जा, फल की चिंता ज्यादा कर मत, तो हम अपना कर्म कर रहे हैं, बाकी फल देना प्रभु की इच्छा है। देखिए, चुनाव एक लॉयलिटी के साथ हो रहा है, बिल्कुल जो जेन्युइन प्रॉब्लम लोगों की है MCD के तहत, जो हमारे काम आ रहे हैं उन्हीं को लेकर हम लोगों को कोई झूठा आश्वासन नहीं दे रहे, कोई जुमलों की सरकार नहीं कर रहे हैं। जो बात है, जो MCD में लोग जिस चीज़ से परेशान हैं, उन्हीं मुद्दों को लेके हम उनके बीच जा रहे हैं। हम इधर हवाबाजी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कोई भी। आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड्स में क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं? मेरे वार्ड की देखिए मुख्य समस्याएं, एक तो आवारा पशु,
जो कि ब्लॉक्स में घूमते हैं, कोठियों वाले ब्लॉक्स वाले लोग इस चीज़ों से बहुत परेशान हैं। और अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया वजीरपुर की बात करते हैं तो वहाँ लोग गंदगी से बहुत परेशान हैं। उनके घर के आगे से नाली निकली हुई है जो साफ़ नहीं होती, और वो उनके बच्चे बीमार रहते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप एक बार कभी जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार घूम के देखिए कि वो लोग किस तरीके से रहते हैं। आपका दिल एक भाव विभोर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आप देख के, आप जब मैं कैंपेनिंग करती हूँ मुझे खुद दुख होता है कि ये लोग यहाँ रहते कैसे हैं, बहुत बुरा हाल है वहाँ का। अपनी वार्ड्स की जनता क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस बार? कि मैं संदेश यही देना चाहूंगी, संदेश क्या मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि हम मिलकर काम करेंगे, और बिल्कुल हम काम करने आए हैं। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी के बारे में किसी से छुपा हुआ नहीं है कि वो काम करने वाली पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, उसी तरीके से उन्हीं को मार्गदर्शन पे हम चलना करेंगे। मैं तो गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ और मूल रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, कृष्ण भक्त हूँ, और श्री भगवद गीता के ऊपर ही जो है मेरा फर्स्ट लव जिसे कहते हैं ना, मेरा पहला प्रेम जो है वो श्रीमद् भगवद गीता है। किंतु ये राष्ट्र जो है वो एक परिवर्तन के मंथन से गुजर रहा है, और मुझे लगता है कि हम एक नए सशक्त श्रेष्ठ भारत की ओर उन्मुख हैं, और उस भारत के निर्माण में हम सभी भारतवासियों को एक हमारा उत्तरदायित्व है कि समस्त विश्व के रूपांतरण के लिए भारत का जागृत होना आवश्यक है। सर, आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड्स में क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं जिनका निवारण करना चाहिए? वार्ड की समस्या, देखिए आप देख रहे हैं पीछे ट्रैफिक का कंजेशन बहुत है जी, आई थिंक पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, उसका होना चाहिए निवारण। और मूल रूप से सफाई है, पीछे पार्क है, यहाँ पर हमेशा कूड़ा वहाँ जमा रहता है, उसकी सफाई बहुत आवश्यक है। आई थिंक मूल रूप से यही मुद्दे हैं, बाकी तो यहाँ बिजली पानी की तो कोई समस्या है नहीं। क्या कुछ आश्वासन लग रहा है आपको कि विधायक से या आने वाले काउंसलर से क्या उम्मीद लग रही है आपको? लग रही है उन्होंने निमंत्रण दिया है कि आप सदा संवाद में रहें जी, और हम लोग, उन्होंने कहा है कि सब मिलके जो है इस वार्ड को जो है वो सुंदर बनाएंगे, इस पूरे विधानसभा क्षेत्र को सुंदर बनाएंगे, तो उन्होंने ये अपना वचन दिया है। आई थिंक कि वो, मुझे आशा है कि वो अपने वचनों पे खरे उतरेंगे। तो ये थी हमारी खास बातचीत वजीरपुर विधायक राजेश गुप्ता जी और वार्ड 65 की आम आदमी उम्मीदवार रीता खारी जी से। खास बातचीत को इस बार वो अपने वार्ड्स में क्या कुछ अहम मुद्दे लेकर जनता के बीच में रहेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन सोनू के साथ अभिषेक राज मिश्रा, न्यूज 44 दिल्ली।